दोस्तों, यदि आप लोग वेस्ट बंगाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का नेम है edistrict.wb.gov.in। ये नेम आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपके सामने वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक में क्लिक करने के बाद आपके सामने वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यदि आप लोग भी वेस्ट बंगाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आप लोग वेस्ट बंगाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिटीजन रजिस्ट्रेशन। सिटीजन रजिस्ट्रेशन में यहाँ तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 पर्सनल डिटेल, नंबर 2 क्रिएट योर अकाउंट, नंबर 3 OTP वेरिफिकेशन। ये तीन स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बोला गया है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में बोला गया है फुल नेम, आपका फुल नेम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट बोला गया है मोबाइल नंबर, आप लोग जिस मोबाइल नंबर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट बोला गया है ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिलअप करने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बोला गया है OTP हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड सेंड कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है क्रिएट योर अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले बोला गया है यूजर नेम, यानी कि आपको यहाँ पे एक यूजर नेम फिलअप करना है। यूजर नेम आपको कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलअप किया है Ranjit2K21, यानी कि ये एप्लीकेंट का नेम है। इसके बाद मैंने 2K21 लिखा है, ये मेरा यूजर नेम हो गया। यहाँ देखिए मैं इसे ओके करता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ प्लीज वेट चेकिंग एबिलिटी ऑफ यूजर नेम, यानी कि यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि ये यूजर नेम यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है Ranjit2K21 इज अवेलेबल। तो आपको भी कुछ इसी तरह से यूनिक यूजर नेम फिलअप करना है जो अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एंटर अ पासवर्ड, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करना है 8 डिजिट का। तो यहाँ देखिए मैंने एक पासवर्ड एंटर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कंफर्म पासवर्ड, यानी कि आप लोगों ने जो पासवर्ड यहाँ पे फिलअप किया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। ये सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिलअप करने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है OTP कन्फर्मेशन, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड सेंड किया गया था, उस OTP नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे OTP नंबर फिलअप कर लेता हूँ। OTP कोड फिलअप करने के बाद यहाँ देखिए सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन। सिटीजन लॉगिन के बाद लिखा हुआ है यूजर नेम, आपका यूजर नेम क्या था वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पासवर्ड, आपका पासवर्ड क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कैप्चा, यहाँ देखिए एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है।
लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट्स, यहाँ आपको क्लिक करना है। सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद राइट साइड में यहाँ देखिए सर्टिफिकेट्स का नेम ओपन हो गया है। यहाँ आपको जिस चीज़ का सर्टिफिकेट बनाना है आपको उस सर्टिफिकेट का ऑप्शन में क्लिक करना है। इस वीडियो में आपको लोकल रेसिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करना बता रहा हूँ, इसलिए हम लोग फोन नंबर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन एंड रिक्रूटमेंट दिए हुए हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। सबसे पहले बोला गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीसियंट शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के निवासी है तभी आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट का नेम दिया हुआ है। इन सभी डॉक्यूमेंट का आपका रिक्वायर्ड पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के समय, इसे आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है फी डिटेल, फी डिटेल में बोला गया है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है सीएससी फीस ₹20, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए ₹20 का पेमेंट करना होगा। ये सभी इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करने के बाद आप लोग थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको क्या क्या फिलअप करना है ये सभी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले बोला गया है एप्लीसियंट बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बोला गया है नंबर 1 सॉल्यूशन, यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि एप्लीसियंट मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, जनाब है, MD है, क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे मिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है फर्स्ट नेम, एप्लीसियंट का फर्स्ट नेम क्या है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है मिडिल नेम, एप्लीसियंट का मिडिल नेम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है लास्ट नेम, एप्लीसियंट का लास्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है डेट ऑफ बर्थ, एप्लीसियंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ आपको फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एज, एप्लीसियंट का एज क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है जेंडर, एप्लीसियंट का जेंडर क्या है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है डेट ऑफ एप्लीकेशन, इस डेट में मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, यहां देखिए शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर क्या है वो आपको यहां पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है ईमेल, एप्लीसियंट का ईमेल आईडी क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है आधार कार्ड नंबर, एप्लीसियंट का आधार कार्ड का नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिलअप करने के बाद इसे आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है परमानेंट एड्रेस, यहाँ बोला गया है कंट्री, कंट्री में ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है स्टेट, स्टेट में वेस्ट बंगाल ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है डिस्ट्रिक्ट, आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है सब डिवीज़न, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का सब डिवीज़न क्या है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है रूरल और अर्बन, आप लोग रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है ब्लॉक, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग जहाँ रहते हैं वो एरिया ब्लॉक, म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है ब्लॉक, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नेम, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नेम क्या है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है विलेज और वार्ड नंबर, आप लोग जहाँ रहते हैं वो विलेज है या वार्ड नंबर है यहाँ आपको फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पुलिस स्टेशन, आप लोग जहां रहते हैं उस पुलिस स्टेशन का नेम क्या है यहां आपको फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पोस्ट ऑफिस, आप लोग जहां रहते हैं उस पोस्ट ऑफिस का नेम क्या है वो आपको यहां पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एड्रेस लाइन 1, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस क्या है यहाँ आपको फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एड्रेस लाइन 2, आपका कोई और भी एड्रेस है यहाँ आपको फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पिन कोड, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है यहाँ आपको फिलअप करना है। ये सभी डिटेल अच्छे से फिलअप करने के बाद इसे आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ आपको क्लिक करना है।
नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट एड्रेस ऑफ एप्लीसिएंट। यहाँ आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और प्रीवियस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद ये देखिए ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेरेंट और हस्बैंड डिटेल। यहाँ आपको अपना पेरेंट या हस्बैंड का डिटेल आपको फिलअप करना है। सबसे पहले बोला गया है पेरेंट और हस्बैंड, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग पेरेंट्स का डिटेल फिलअप कर रहे हैं या हस्बैंड का। मैं यहाँ पे फादर का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है सॉल्यूशन, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आपके फादर क्या है, यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है फर्स्ट नेम, आपके फादर का फर्स्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट बोला गया है मिडिल नेम, आपके फादर का मिडिल नेम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है लास्ट नेम, आपके फादर का लास्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है ऑक्यूपेशन, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है डिटेल ऑफ पेरेंट्स बिजनेस और सर्विस, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस और सर्विस करते हैं तो यहाँ आपको फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एप्लीसिएंट प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि एप्लीसिएंट का प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। सबसे पहले बोला गया कंट्री, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ का कंट्री क्या है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया स्टेट, आपका जहाँ जन्म हुआ था वो स्टेट कौन सा था, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है डिस्ट्रिक्ट, आपका जहाँ जन्म हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है सब डिवीजन, आपका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ का सब डिवीजन क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है रूरल और अर्बन, आपका जहाँ जन्म हुआ था वो एरिया रूरल है या अर्बन है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है ब्लॉक और म्यूनसिपालिटी और कॉरपोरेशन, आपका जहाँ जन्म हुआ था वो एरिया ब्लॉक म्यूनसिपालिटी या कॉरपोरेशन था, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है ब्लॉक और म्यूनसिपालिटी और कॉरपोरेशन नेम, आपका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ का ब्लॉक और म्यूनसिपालिटी या कॉरपोरेशन का नेम क्या था, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है विलेज और वार्ड नेम, आपका जहाँ जन्म हुआ था वो विलेज है या वार्ड है, उसका नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पुलिस स्टेशन, आपका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ के पुलिस स्टेशन का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पोस्ट ऑफिस, आपका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ के पोस्ट ऑफिस का नेम क्या है, यहाँ आपको फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एड्रेस लाइन वन, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पिन कोड, आपका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ का पिन कोड क्या है, यहाँ आपको फिलअप करना है। ये सभी डिटेल अच्छे से फिलअप करने के बाद इसे आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद नेक्स्ट बोला गया है एडुकेशन डिटेल ऑफ एप्लीसिएंट, यहाँ आपको अपना एडुकेशन डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले बोला गया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ आपको इंस्टीट्यूशन का नेम फिलअप करना है कि आपका इंस्टीट्यूशन का नेम क्या था। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है क्लास फ्रॉम, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग कितने क्लास से इस स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है क्लास टू, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग वन से कितने तक इस स्कूल में पढ़ाई किए हैं, तो मैंने यहाँ पे 12 को सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है फ्रॉम ईयर, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग इस इंस्टीट्यूट में कितने ईयर से पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पार्टिकुलर्स ऑफ स्टे एट लास्ट 15 ईयर, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग पिछले 15 सालों से कहाँ रहते हैं। सबसे पहले बोला गया है कंट्री, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग अदर कंट्री से हैं या इंडिया से हैं। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया स्टेट, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग कौन से स्टेट में रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया सब डिवीजन, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का सब डिवीजन क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया रूरल और अर्बन, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया अदर डिटेल, ये डिटेल आप लोग फिलअप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस डिटेल को फिलअप नहीं करूँगा। ये सभी डिटेल अच्छे से फिलअप करने के बाद आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है।
सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्यू एप्लीकेशन डिटेल फॉर लोकल रेसिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे जितने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया था वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ हमें एक एप्लीकेशन नंबर भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले बोला गया अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उससे पहले मैं सभी ऑप्शन के बारे में बता देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एडिट बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग यहां पे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एडिट एप्लीकेशन, यानी कि आप लोग इस एप्लीकेशन नंबर को भी एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहां पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है प्रिंट, इसे आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको प्रिंट का ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर लोकल रेसिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले बोला गया है रेसिडेंशियल प्रूफ, यहाँ पे आपको अपने रेसिडेंशियल प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ देखिए अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। अपलोड का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नेम, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशूड बाय SDO के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है चूज फाइल, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका फाइल कौन से फोल्डर में सिलेक्ट है। तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा, आपका फाइल जिस भी फोल्डर में सेव है आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। अपलोड का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, इसके बाद आपको यहाँ पे कट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ से आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ आपको अपलोड का ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद चूज फाइल का ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपका फाइल सेव है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और ओपन के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ देखिए अपलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है और आपका ये जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको कट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है फोटोग्राफ, आपका यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है बर्थ प्रूफ, आपका बर्थ प्रूफ का सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यदि आप लोग कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, यहाँ देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसे आप लोगों को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को और आप लोगों ने जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सभी डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी आपको अपने नज़दीकी SDO ऑफिस में जमा करना है। SDO ऑफिस में जमा करने के बाद आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 से 2 महीने के अंदर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दिया है कि आप लोग वेस्ट बंगाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।